अस्सलाम वालेकुम जी, हमज़ा कवि एच क्यू प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से है। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। ये इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है वो कैंसिलेशन ऑफ फाइल्स लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से है। लाहौर स्मार्ट सिटी जो है कैंसिल करने जा रहा फाइल्स, वो तमाम की तमाम अपडेट आपको इसी वीडियो में देते हैं। अपडेट की तरफ जाने से पहले मेरी तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल एच क्यू प्रॉपर्टी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो आइए चलते हैं जी। लाहौर स्मार्ट सिटी ने एक नोटिस जो है वो जारी किया है। वो इस टाइम आपकी स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा होगा और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि जिन लोगों ने, पहले मैं आपको बता दूं कि कमर्शियल के हवाले से और फिर रेजिडेंशियल के हवाले से बताता हूं। इस टाइम आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जिन लोगों ने 2.5 मरला कमर्शियल या 6 मरला कमर्शियल बाई किए थे, वो जो हैं अगर उन्होंने अपने 10% के ऊपर रखे हुए हैं तो वो अपना रिमेनिंग 10% मतलब कन्फर्मेशन की अमाउंट पे करें 31 मई से पहले पहले, 31 मई से पहले पहले। और ये बड़ा लाजमी है, 31 मई से पहले पहले अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी फ़ाइल्स कैंसिल होंगी। और कैंसिलेशन की पॉलिसी आपको जैसा कि मालूम है कि वो 25% सोसाइटी जो है वो डिडक्ट करेगी और 75% आपको देगी और वो भी 6 महीने के बाद। तो 31 मई से पहले पहले तमाम के तमाम लोग जिन्होंने 2.5 मरला और 6 मरला कमर्शियल लिए हैं, वो 31 मई तक इनकी 10% अगर उनके 10% के ऊपर उन्होंने बुक किए थे और रिमेनिंग 10% रहता है कंफर्मेशन का, तो वो लाजमी पे कर लें। और इसी तरह जिन लोगों ने 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट प्री लॉन्च रेट्स के ऊपर, इसमें प्री लॉन्च का आपको बता दूं, जब सोसाइटी लॉन्च हुई थी, लाहौर स्मार्ट सिटी लॉन्च हुआ था, तो आज से 2-2.5 साल पहले आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि 2-2.5 साल पहले जो रेट लॉन्च हुए थे जिसमें 5 मरला की जो बुकिंग थी 18 लाख और 19 लाख, और इसी तरह 10 मरला जो 33 लाख और 34 लाख, और 1 कनाल के जो प्लॉट थे जिसमें 54 लाख और 55 लाख के कनाल की बुकिंग्स थी, सिर्फ इनके हवाले से है कि वो अपनी 50% मिनिमम पेमेंट को जो है वो अपना इंश्योर करें, 50% तक पेमेंट को लेके जाएं। अगर उन्होंने 10% दिया तो रिमेनिंग 40%, और अगर उन्होंने 20% दिया तो रिमेनिंग 30% अमाउंट सोसाइटी में पे करें। और उसके लिए भी डेडलाइन जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि 31 मई ही दी गई है। तो इस टाइम आज जो हम ये आपके सामने वीडियो बना रहे हैं, ये तकरीबन इसमें पूरा 1 महीने का टाइम है। इस पूरे महीने के अंदर आप जो है ना 31 मई से पहले पहले ये अमाउंट्स पे कर लें, और बिल्कुल इस चीज़ में ना रहिएगा कि सोसाइटी शायद डेट एक्सटेंड करेगी या कुछ, तो नुकसान से बेहतर है कि आप जो है टाइमली इसकी अपनी पेमेंट करें और आप ताकि नुकसान से बच सकें। और इसमें आपको ये मैं बता दूं कि इसमें 7 मरला और 12 मरला के प्लॉट शामिल नहीं हैं, क्योंकि 7 मरला और 12 मरला तकरीबन 1 साल के बाद आया था और वो लॉन्च रेट्स के ऊपर आया था, वो प्री लॉन्च रेट्स के ऊपर नहीं था। तो इसमें किसी भी तरह के जो 4 मरला, 8 मरला कमर्शियल और जो रेजिडेंशियल में 7 मरला और 12 मरला के प्लॉट शामिल नहीं हैं, और इसी तरह जो 5, 7, 5, 10 और कनाल के जो सेकंड और थर्ड रेट थे, रेट सोसाइटी ने लॉन्च किए थे, वो भी शामिल नहीं है। सिर्फ कमर्शियल्स में से 2.5 मरला और 6 मरला उनको आपने 20% तक लेके जाना है, और जो रेजिडेंशियल प्लॉट हैं 5 मरला, 10 मरला कनाल, जिसमें 5 मरला 18-19, 10 मरला 33-34 और कनाल की 54-55 लाख रुपीज़ वाली बुकिंग थी, उन्होंने अपनी अमाउंट्स 50% पे लेके जानी है। इसमें कुछ थोड़ी सी चीज़ें अभी क्लियर होने वाली हैं कि फॉर इंस्टेंस अगर किसी ने अभी बाय किया है और उसको सोसाइटी ने रीस्केड्यूल पेमेंट प्लान दिया है और उसके हिसाब से उसकी इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं होती 50%, तो उसके हवाले से क्या होगा, वो भी जब सोसाइटी से हम क्लैरिटी ले लेंगे कि उनका जो पेमेंट प्लान सोसाइटी ने इशू किया है उसमें वो 50% तक जो है अभी अमाउंट ड्यू नहीं हुई, तो उनकी हो सकता है सिर्फ 30% ड्यू अमाउंट हो या 35% हो या 25% हो, तो उस केस के अंदर क्या होगा, तो वो भी इंशाल्लाह हम सोसाइटी से ये चीज़ क्लियर करके आपको इन्फॉर्म करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमज़ा कवि को इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।